वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स. सो इन द प्रीवियस सेशन हम लोगों ने बात करी थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है ना, पाथ फंक्शन के बारे में, स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में, जो अपने आप में एक छोटा सा अच्छा लेंथी सेशन भी हो गया था, क्योंकि मुझे एडवांस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, ठीक है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें नोट कर रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. नोट्स जितना आप बनाएंगे उतना थ्योरेटिकल पार्ट आपका क्लियर होता हुआ चलेगा, और जैसे ही थ्योरी क्लियर हो जाएगी उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी ईजी लेवल के लगेंगे आपको. बट फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यू शुड बी फैमिलियर विथ ईच एंड एवरी टर्म. थ्योरेटिकल पार्ट आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली इफ़ यू आर रीडिंग विथ एनी ऑफ द स्टैंडर्ड बुक थर्मोडायनेमिक्स की, तो उसमें आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना. न्यूमेरिकल्स तो फिर हम लोग अपने लेवल पे बनाते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट उनमें भी थ्योरेटिकल पार्ट ही आपकी हेल्प करेगा. तो चलिए आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़े. तो आज के सेशन की स्टार्टिंग अब अगली थर्मोडायनेमिक टर्म्स है. इन सब की ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत तो फिर आपको क्वेश्चंस में इनका यूज़ समझ में आएगा, एज वेल एज एक आधा भी छोटा क्वेश्चन अगर आ जाता है कि इस टर्म का मीनिंग क्या है. और जो आप एक्सरसाइजेस में देखेंगे भी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज डीपीपीस में, कि आपको हर एक टर्म उसमें यूज़ करते ही मिलेगी. लाइक अवर नेक्स्ट टर्म इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. माइट भी आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर ही एक नाम सुना होगा, ठीक है. आपने थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड भी सुना होगा, आपने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी वर्ड सुना होगा, बट यहाँ पर एक नया टर्म है हमारा, दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? अगर कोई सिस्टम थर्मली एज वेल एज केमिकली एज वेल एज मैकेनिकली इक्विलिब्रियम पर हो, देन इट इज सेट टू बी एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ होने चाहिए, ठीक है. तो इसका मीनिंग है हमारा, एक सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो आप ले रहे हो, is at thermally chemically if a system is at thermally chemically as well as mechanically at equilibrium, shortcut में मैं EQ लिख दे रहा हूँ, then it is said to be at thermodynamic equilibrium. Shortcut में लिख दिया हमने, तीनों equilibrium का एक साथ होना compulsory है, ठीक है. और इसका indirectly meaning क्या है? Indirectly meaning क्या था? When all state variables, जब हमने बात करी थी कि हमारे लिए बेसिक स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है ना, व्हेन ऑल स्टेट वेरिएबल्स आर फिक्स्ड, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है ना, सिस्टम, जो भी आपका सिस्टम होगा, इज इन द स्टेट ऑफ, सिस्टम इज इन द स्टेट ऑफ थर्मो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है. मैं एक एक चीज़ बोर्ड पे इसलिए लिखता हूँ कि आप भी नोट्स बनाने में आपको कंफर्टेबल रहे, ठीक है ना. मैं चाहूँ तो ये चीज़ें ओरली आपको बोल के आगे बढ़ सकता हूँ. इट इज़ टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑल्सो, मुझे बोर्ड पे लिखने में टाइम भी लगता है, बट मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि आपकी भी एक अच्छी हैबिट नोट्स बनाने की बने, क्योंकि अल्टीमेटली नोट्स ही आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, थर्मोडायनेमिक डील्स only with the system, thermodynamic deals only with the system which are at thermodynamic equilibrium. Thermodynamics केवल उन्हीं system से deal करेगा जो thermodynamic equilibrium पर हो. What is the meaning of this? हमने last के दो points जो लिखे हैं कि एक तो state variables fix हो, ठीक ना, और थर्मोडायनेमिक्स केवल इक्विलिब्रियम वाली स्टेट से ही डील करता है. तो आपको शायद मैंने पहले भी बताया था, सपोज करो ये आपकी स्टेट वन है ना. थर्मोडायनेमिक्स में हमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पढ़ना है, ठीक ना. जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, अगर ये स्टेट वन आप उसकी फिक्स कर दे रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ के आपने वेरिएबल्स भी फिक्स कर दिए, P1, V1, T1,
आपने स्टेट टू फिक्स करी तो यहाँ के आपके वेरिएबल्स भी फिक्स कर दिए, P2, V2 और क्या आपका T2। ठीक है, तो अगर आपने तीनों स्टेट वेरिएबल्स फिक्स कर दिए तो ये सिस्टम अपने आप इज विल इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, है ना। अगर आपने यहाँ पर भी तीनों वेरिएबल्स फिक्स कर दिए तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इस स्टेट से इस स्टेट में जाते वक्त जो भी आप पाथ फॉलो कर रहे हो उसी को प्रोसेस बोला जाता है। तब हमारे प्रोसेसेस के नाम स्टार्ट होंगे आफ्टर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो माइट भी आपने सुन रखे होंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक, साइक्लिक इन जनरल। ठीक है, उनके नाम हमें लिख रहे हैं। अब ये तीनों फिक्स होने से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर कैसे हुआ सिस्टम, आपके माइंड में डेफिनेटली ये डाउट आ रहा होगा कि आखिर पीवीटी फिक्स होते ही सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर कैसे हो गया। और थर्मोडायनेमिक्स केवल स्टेट वन और स्टेट टू पर लगेगा क्योंकि यहाँ पर वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर है, यहाँ पर भी। बीच में जब सिस्टम मूव कर रहा था, तब आप थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप स्टेट वन और स्टेट टू पर सीधे अप्लाई करोगे। और आपको पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में अगर आपने थ्योरी को ढंग से समझा था तो पीवीटी तीनों स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शंस के लिए ही आप 1, 2, 3, 4 जो भी हो स्टेट वो मेंशन कर सकते हो, क्योंकि स्टेट फंक्शन हर एक स्टेट पर डिफाइंड होते हैं। पाथ फंक्शन का मीनिंग, इसलिए थ्योरी का पार्ट इम्पॉर्टेंट है ना, पाथ फंक्शन का मीनिंग केवल तभी होगा जब सिस्टम किसी पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ वो कैसे गया वो उसका पाथ होगा। तो हीट ऑफ वर्क की बात इस पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, बट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को पाथ से कोई लेना देना नहीं है। अब ये तीनों इक्विलिब्रियम पर आने से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे हुआ, तो अगर मैं बात करूँ बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम की, आपने शायद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुना होगा, ठीक है ना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पर हैं, दो सिस्टम्स ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पर हैं, बी एंड सी आर आल्सो एट थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ऑटोमेटिकली ए एंड सी विल आल्सो बी एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिकली बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम जो है इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, मतलब टेम्परेचर फिक्स हो जाए तो दो सिस्टम बोले जाएंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम पर है। तो इस थर्मल इक्विलिब्रियम से आपका देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट की फीलिंग आ गई। कि अगर आप दूसरे इक्विलिब्रियम की बात करते हो, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, आपने 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना, ठीक है। और कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने का मतलब कंसंट्रेशन होता ही क्या है बेटा, मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर सिस्टम क्लोज्ड है आपका तो ऑब्वियसली मोल्स तो कांस्टेंट हो गए, तो अब कंसंट्रेशन कांस्टेंट तभी हो सकता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक है ना, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो इससे दूसरा चीज आपका वी कांस्टेंट की फीलिंग आ गई। एंड थर्ड अगर आप बात करते हो कौन से इक्विलिब्रियम की, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपका देयर शुड नॉट बी एनी प्रेशर ग्रेडियंट। बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब इनडायरेक्टली इस तीसरे वाले इक्विलिब्रियम से फीलिंग आई कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। इसी वजह से हमने अभी ऊपर एक टर्म बोल दी कि अगर सभी स्टेट वेरिएबल्स फिक्स हो गए तो सिस्टम विल बी इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप स्टेट वन पर उसके तीनों वेरिएबल्स डिफाइन कर ले रहे हो, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, मतलब ये सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर है। आपने स्टेट टू में भी उसके तीनों वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिया, मतलब ये सिस्टम भी आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। और लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप स्टेट वन से स्टेट टू के बीच में अप्लाई कर सकते हो, बीच की जो प्रोसेस है वो आपको पाथ रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब अगला टर्म हमारा थर्मोडायनेमिक
प्रोसेसेस ही हैं जो हमने नाम लिख लिया यहाँ पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मो डायनेमिक प्रोसेसेस. आखिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस? प्रोसेस क्या है? इट प्रोसेस एक ऑपरेशन है जिसके थ्रू सिस्टम चेंज करता है अपनी स्टेट को. इट डिनोट्स द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम टू चेंज इट्स स्टेट. तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की अगर हमसे डेफिनेशन या मीनिंग पूछे तो इट इज एन ऑपरेशन बाय विच इट इज एन ऑपरेशन बाय विच अ सिस्टम बाय विच अ सिस्टम इज चेंजिंग इट्स स्टेट. ठीक है ना? एक ऐसा ऑपरेशन जिसके थ्रू सिस्टम अपनी स्टेट को क्या चेंज कर रहा है एंड ऐसा लिख सकते हैं बेटा हम लोग, बेसिकली इट डिनोट्स पाथ फॉलोड बाय the system to change its state. ठीक है? क्योंकि हमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो पढ़ना है भैया, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के लिए इतने बड़ा हमारा बवाल चल रहा है थर्मोडायनेमिक, वो तभी होगा जब सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होगा. और सिस्टम किस पाथ को फॉलो करते हुए अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है उसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बोलते हैं. अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहीं पे आपको बता दूं कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये पूरा आपको क्या क्या क्वेश्चन है. एक जनरल आइडिया तो मैंने आपको दे दिया है कि बेसिकली हमें केवल 6 पैरामीटर्स निकालना सीखना है. 6 कौन कौन से? फर्स्ट इज इंटरनल एनर्जी, सेकेंड एंथैल्पी, थर्ड हीट, फोर्थ वर्क, फिफ्थ गिब्स एनर्जी, सिक्स्थ एंट्रोपी. और इन द रिसेंट सिनेरियो ऑफ जेई एडवांस गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी का यूज़ सबसे ज़्यादा चल रहा है. ठीक है ना? सबसे ज़्यादा यूज़ चल रहा है इन 2018 जेई एडवांस आपका. ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में उसने फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज एक तो बढ़ा भी दिया आपका. आउट ऑफ 16 क्वेश्चन लगभग आप 46% के आसपास बोल सकते हो ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. और उन 16 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस में उसने जी एंट्रोपी और जी का यूज़ करवा दिया, 6 to 7 क्वेश्चंस में. तो यू कैन फील कि ये क्यों चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट. और वैसे तो मैं आपको शायद पहले भी बोल चुका हूँ, इट इज़ द बैकबोन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. आखिर कोई प्रोसेस होगी कि नहीं होगी, ये सब बताने का काम तो यही चैप्टर कर रहा है. ठीक है? अब 6 पैरामीटर्स निकालने हैं और किन किन तरह के चेंजेस के लिए निकालने हैं हम लोग ये बात कर रहे हैं ना. तो हमारे पास, इसलिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दिया, हमारे पास जो चेंज होंगे वो 3 तरह के होते हैं बेटा ना. चेंज पहला टाइप या तो फिजिकल चेंज होगा, है ना. पहला टाइप है आपका जो चेंज होगा या तो फिजिकल चेंज होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल चेंज? बेसिकली इसी को आप फेस चेंज भी बोल सकते हो. ठीक है? मतलब सॉलिड का लिक्विड में जाना, लिक्विड का गैस में जाना, या सॉलिड का गैस में जाना, और वाइस वर्सा भी हो सकता है बेटा, है ना. मतलब आप चाहो तो इन्हें रिवर्सिबल मान के चल सकते हो, उल्टा भी पॉसिबल. ये फेस चेंज. और अभी से एक कंडीशन सुन लेना, फेस चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. फेस चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है? आप जो बोलते हो कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और आपके 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हो बेटा, बट आपको साथ में ये भी बोलना ज़रूरी है बॉइलिंग पॉइंट की जगह कि वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट? जो
वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। तो आप जहाँ पर भी मेरा ये वीडियो वॉच कर रहे हैं जिस भी सिटी में, वहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर आपने वाटर को किसी स्टोव या गैस के ऊपर रख के बॉयल करना चालू करा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसकी बॉयलिंग होगी, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। ये फेस चेंज है, तो ये प्रॉब्लम से मिटा। हमें फेस चेंज के भी हर पैरामीटर ऑलरेडी जो 6 पैरामीटर्स नाम लिए, तो अब ये न्यूमेरिकल्स का बेस बनता जा रहा है, इसलिए मैं थ्योरी पर इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ। आपको फेस चेंज के लिए ऑल 6 पैरामीटर्स निकालते आना चाहिए। जी एस, मतलब जी ना बोलें, डेल्टा जी बोलें, डेल्टा जी, डेल्टा एस, जब लिक्विड गैस में जा रहा है तो इस प्रोसेस में कितना डेल्टा जी हुआ, कितना डेल्टा एस हुआ, कितना डेल्टा एच हुआ, कितना डेल्टा यू हुआ, ये चारों स्टेट फंक्शन है, इसलिए मैं इन्हें डेल्टा बोल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, तो इनमें डेल्टा नहीं बोलेंगे, क्यू और डब्ल्यू बोलेंगे, ठीक है। और हर एक पैरामीटर आपका चेंज कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो ये है फिजिकल चेंज। दूसरे टाइप का चेंज होता है बेटा हमारा केमिकल चेंज, नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब है आपका केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंज का मतलब है आपका केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस भी किस कंडीशन पर, मतलब क्या होती है, होता क्या है केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें, आपका प्रोडक्ट में, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस भी अनलेस अदरवाइज मेंशन हमेशा कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर होंगी। मतलब हमें केमिकल रिएक्शंस के लिए भी यही 6 पैरामीटर डेल जी, डेल एच, डेल यू, डेल एस और क्यू और डब्ल्यू निकालते आना चाहिए। और तीसरा जो चेंज है बेटा, थर्ड चेंज, बस ये है आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। तीसरा जो चेंज है वो है चेंज इन स्टेट, ध्यान देना। यहाँ पर स्टेट चेंज में सब्सटेंस ही चेंज हो जा रहा है बेटा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया। तो ये कोई अलग सब्सटेंस होगा, ये कोई अलग सब्सटेंस होगा। यहाँ पर जो चेंज हो रहा है उसमें भी सब्सटेंस चेंज हो जा रहा है। आप यहाँ तो सॉलिड से लिक्विड में चलेगा या लिक्विड से गैस में चलेगा, बट चेंज इन स्टेट का मतलब है ना, सब्सटेंस रिमेन्स सेम, सब्सटेंस सेम रहेगा, देयर विल बी चेंज ओनली इन स्टेट वेरिएबल्स। सब्सटेंस सेम है, गैस है तो गैस ही रहा, बट उसने अपनी स्टेट को चेंज करा, और स्टेट चेंज का मतलब हमेशा वेरिएबल्स का, स्टेट वेरिएबल्स का चेंज होना है। मतलब इसमें आपका पीवीटी तीनों ही चेंज होंगे, ठीक है ना, चेंज इन स्टेट में आपके तीनों ही चेंज होंगे, ठीक है। और अलग अलग प्रोसेसेस होंगी अकॉर्डिंग टू कि कब किस चीज़ में क्या कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर इनके लिए बेटा हम लोग प्रोसेसेस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो बस क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि इस केमिकल रिएक्शन है ना, कम्बशन ऑफ मिथेन के लिए, कम्बशन ऑफ मिथेन के लिए सब पैरामीटर्स की वैल्यू बताओ, ठीक है ना। अगर लिक्विड वन मोल ऑफ H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वन मोल ऑफ H2O वेपर, तो आप अपना सब पैरामीटर की वैल्यू बताओ। बट यहाँ पर आपको प्रोसेस मेंशन होगी कि वन मोल ऑफ आइडियल गैस है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है ना, या वो एक्सपांड हो रहा है फ्रॉम 2 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आपकी प्रोसेस कौन सी हो गई, आइसोथर्मल। तो उन सभी प्रोसेसेस का मैं नाम यहाँ पर लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसमें पीवीटी सब चेंज होंगे पहली चीज, तो इनडायरेक्टली प्रोसेस की बात होगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज कि ये जो चेंज इन स्टेट है ये आप किस किस तरह के सब्सटेंस के लिए करोगे, तो ये आप तीनों टाइप के सब्सटेंस के लिए करोगे, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए। मतलब सॉलिड पहले एक अलग प्रेशर टेम्परेचर पर है, बाद में एक अलग प्रेशर टेम्परेचर पर आ गया, लिक्विड पहले एक अलग प्रेशर टेम्परेचर पर है बाद में एक अलग प्रेशर टेम्परेचर पर आ गया, और गैस है ना, गैस भी दो तरह की हो सकती है बेटा, आइडियल गैस भी हो सकती है और रियल गैस भी, ठीक है ना।
अब यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली काफ़ी कुछ पोर्शन एक्सेप्ट एंथैल्पी एच को छोड़ दूँ, जी को छोड़ दूँ और एस को छोड़ दूँ, इन तीन पैरामीटर्स को छोड़ दें तो बाकी जो बचे हुए तीन पैरामीटर है क्यू डब्ल्यू और यू, इंटरनल एनर्जी हीट ओवर, ये आप फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं क्योंकि ये फिजिक्स में भी शामिल है आपका, ठीक है, और लगभग 80% पार्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन है ये वाला पार्ट, बट थोड़ा सा डिफरेंस है फिजिक्स और केमिस्ट्री में कि फिजिक्स वाले कभी रियल गैस की बात नहीं करेंगे, सबसे पहली बात, ठीक है ना, फिजिक्स वाले कभी भी रियल गैस की बात नहीं करेंगे, और दूसरा मैंने बताया था कि एच जी और एस की बात नहीं होगी। एक अगला डिफरेंस अभी आगे आने ही वाला है कि फिजिक्स वाले कभी भी आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी बात नहीं करेंगे, है ना, अब वो क्या होती है उस पर मैं आ रहा हूँ। अब इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स के जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो आइडियल गैस पर बनेंगे, ऑलमोस्ट मोर देन 80% ऑफ द क्वेश्चन चेंज इन स्टेट ऑफ आइडियल गैस रहेगा, इसलिए बाद में चैप्टर काफ़ी सिंपल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका इम्पॉर्टेंट यूज़ केमिकल रिएक्शंस का होगा, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, बाकी सबके ऊपर भी क्वेश्चंस होंगे बट लगभग 80% क्वेश्चन आइडियल गैस, ठीक है ना, लगभग 10-15% क्वेश्चंस केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, बचा हुआ जो 5% है उनमें क्वेश्चन सॉलिड लिक्विड या फिजिकल चेंज के होंगे। मैं हर एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, हर एक चीज़ को समझाऊंगा, बट पहले क्या क्या इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये बेसिकली बस इतना सा चैप्टर है अब आपका कि अगर आपको इतनी चीज़ें पता हैं इन चेंजेस के लिए जो सामने लिखे हुए हैं 6 पैरामीटर निकालते आना चाहिए, इतने टाइप के क्वेश्चन, 6 पैरामीटर इसके लिए, 6 पैरामीटर इसके लिए, 6 इसके लिए, 6 इसके लिए, ठीक है ना, और अब उनमें प्रोसेसेस भी आती जाएंगी बेटा, फिर केमिकल चेंज भी आता जाएगा, फिजिकल चेंज भी आता